मारूफ फैशन डिजाइनर हैं। इनकी कारकर्दगी पर इनको सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया, लेकिन इनके साथ पाकिस्तान में क्या फ्रॉड हुआ? एक जमीन मैंने ली मुल्तान रोड पे, एक मरबा जमीन थी, वो मैंने एक वकील को थोड़ी लेटर दे दिया, मैं यतीमखाना बनाने लगा हूँ। वो जनाब मैंने देखा वो जमीन तो मेरे नाम पे ही नहीं। वो वकील साहब ने अपने और अपनी बीवी को तोहफा दे दिया। वकील साहब हैं सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अभी तक मुझ पे कोई 12 केस बना दिए। अब अदालतों के चक्कर लग रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया मैं खर्च कर चुका हूँ। जब मैं अदालत गया हूँ तो वो जज साहब कहते हैं जी मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैं पेरिस से आया हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है, अभी एंटर हुआ हूँ पाकिस्तान, और मुझे आप कह रहे हैं मैंने आपसे बात नहीं करनी। जैसा मैं 24 घंटे की फ्लाइट लेके आया हूँ, 12 लाख की टिकट आई है, मैंने आपसे बात नहीं करनी, उठ के चले गए, जाके दरवाजा बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट, मैं हूँ वजीहा नजम। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस कदर कमज़ोर है कि यहाँ पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब तरीन शख्स को इंसाफ लेने के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगानी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एक मारूफ फैशन डिज़ाइनर है, और इनका शुमार ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में होता है जो कि पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, और जब वो पैसा पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। इनकी कारकर्दगी पर इनको सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया, लेकिन इनके साथ पाकिस्तान में क्या फ्रॉड हुआ कि अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं? 2 साल में ये 2 करोड़ से ज़ायद रुपये जो हैं वो खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। इनसे बात करते हैं महमूद भट्टी साहब से, और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन जैसे फेमस इंसान जिनको पूरी दुनिया पहचानती है, इनके काम को पूरी दुनिया सराहती है, और इनके कारनामों पर इनको अवार्ड तक मिल गया, लेकिन इसके बावजूद इंसाफ की जब बात आई तो वो इनको क्यों नहीं मिल सका, इनको रोज़ रोज़ अदालतों में क्यों जाना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले महमूद साहब मुझे बताएं कि आपके पास पावर है, आपको लोग जानते हैं, आपका काम बोलता है, दुनिया आपको जानती है, लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तान में इंसाफ की बात आई तो आपको इंसाफ नहीं मिला, तो गरीब लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? बस वही ना, मुझे मैं काफ़ी अपसेट हूँ और मैं परेशान हूँ। ये जो सिस्टम अदालतों का सिस्टम, मैंने हर आदमी का ना अपना एक शौक़ होता है ज़िंदगी में, मैंने ये पहनना है, मैंने ये करना है, मैंने ये, मेरा शुरू में शौक़ रहा है यतीमों के लिए काम करना, क्योंकि मेरी हम बहुत पोअर फैमिली से थे, बस्तामी रोड में रहते थे, मेरी माँ एक काफ के घर में रहती थी, कभी कपड़े सीना उसने काम करना हमें खिलाने के लिए, क्योंकि फादर की डेथ हो गई थी, मुझे इतना याद भी नहीं अपने फादर का, तो मैं भी उस ज़माने में काम कम करता था, तो अल्लाह ने बाहर चले गया, अल्लाह मियाँ ने यहाँ पे मैं पैकेट उठाता था, दाता साहब लंगर खाने के लिए जाता था, पैसे नहीं होते, जब मैं बाहर चले गया तो वहाँ पर भी मैंने सफाई के काम शुरू किया, पैकेट उठाता था आस्था था। 2 साल बाद मैं फैशन डिज़ाइनर में जहाँ पे काम बनता था, तो मैं कभी स्कूल नहीं उस गया, मैंने ऐसे ही सीखा, अपना ऑफिस शुरू कर लिया, वो डिज़ाइन वहाँ पे कॉपी राइट्स होते हैं कि एक दूसरे को हम कॉपी नहीं कर सकते, तो मेरे डिज़ाइन ज़रा हिट हो गए तो पूरे यूरोप में मेरा नाम भट्टी बन गया, तो पैसे आने शुरू हो गए। तो जब पैसे आते हैं ना, सबसे पहले आदमी ओवरसीज़ पाकिस्तान नहीं कहता, हम पाकिस्तान अपने मुल्क में पैसे भेजें, अपने मुल्क में घर बनाएँ, अपने मुल्क में कुछ सोचा जाए, अपने मुल्क में एंड हमने उधर ही जाना, तो मैंने सब चीज़ें यहाँ पे शुरू कर दी। एक ज़मीन मैंने ली मुल्तान रोड पे, एक मरबा ज़मीन थी, वो मैंने एक वकील को थोड़ी लेटर दे दिया, तो वो वकील को मैंने थोड़ी लेटर दे दिया, उसने जब मैं यतीमखाना बनाने लगा हूँ, वो जनाब मैंने देखा वो ज़मीन तो मेरे नाम पर ही नहीं, वो वकील साहब ने अपने और अपनी बीवी को तोहफा दे दिया, यतीमों की ज़मीन अपने और अपनी बीवी को दे दिया। अब वकील साहब हैं सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अभी तक मुझ पे कोई 12 केस बना दिए, 12 केस बना दिए, 3 केस पे, एक पीजे मीर पे, एक सजाद रिजवी पे, मुझ पे, क्योंकि मैंने उसका नाम लेके यूट्यूब पे बोला है, ठीक है। अब अदालतों के चक्कर लग रहे हैं तो 2 करोड़ रुपये मैं खर्च कर चुका हूँ, मेरा टाइम ज़ाया होता है, टिकट 12 लाख की लेके आता हूँ। वहाँ पे हम बिल्कुल चलते हैं प्लानिंग से, यहाँ पे वो शीशन जज साहब से टाइम लिया 3 हफ्ते पहले, मैंने आना है, मैंने आके उनको बताना है, बोलना है, और मैंने उनको बताना, क्योंकि अभी तक 3 जज चेंज हो चुके हैं वहाँ पर। मैं पहुँचा हूँ सुबह 9 बजे, नहा के सीधा गया हूँ अदालत,
जब मैं अदालत गया हूँ तो वो जज साहब कहते हैं जी मैंने आपसे बात नहीं करनी। मैंने कहा जज साहब मैं पेरिस से आया हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है, अभी एंटर हुआ हूँ पाकिस्तान, और मुझे आप कह रहे हैं मैंने आपसे बात नहीं करनी। जज साहब मैं 24 घंटे की फ़्लाइट लेके आया हूँ, 12 लाख की टिकट आई है, मैंने आपसे बात नहीं करनी, उठ के चले गए, जाके दरवाज़ा बंद कर दिया अपने दफ्तर का। अब ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये सेशन जज का रोल होता है दरमियान में बैठना, दोनों पार्टियों को बुला के उनका केस सुनना, उनके पेपर चेक करने, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये भी हो सकता है ना, तो उनकी चीज़ें चेक करनी, उनके सब। आज तक वो वकील, सीनियर वकील जो है ना, वो कहता है जी मैं जजों की हिम्मत नहीं है मुझे बुलाने की, क्योंकि मैं इनको ऑर्डर लिख के देता हूँ। आज तक 2 साल में ना वो ना उसकी वाइफ कभी जज के पास पेश हुए हैं। मैं पेरिस से आता हूँ, वो उसकी वाइफ जिस पे नाम पे उसने ज़मीनें कराई और ख़ुद वो मेरे से आज तक वो पेश ही नहीं होते। अब मेरा मसला ये है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से, जज साहब मुझे तो दुनिया में थोड़ा सा मेरा नाम है, उन ओवरसीज पाकिस्तानी का क्या बनेगा जो लोगों को जानते ही नहीं है, जो आप मीडिया भी उसको नहीं जानती और कोई उनको जानता नहीं, और उनके जायदादों पे कब्जे हो रहे हैं, वो बेचारे अदालतों के चक्कर लगा के मर के वापस चले जाते हैं। ये अदालत इन्होंने खोली है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, ये अदालत कौन सी है अदालत जो सेशन जज ओवरसीज पाकिस्तानी, मुझे मैं पेरिस से आया हूँ, मुझे कहता है मैंने आपकी बात नहीं सुनी। ये अदालतों का सिस्टम, एक हुकूमत जो चलती है ना वो चलती है अदालतों के सिस्टम से पूरी दुनिया में। अगर हमारे अदालतों का सिस्टम ही ख़राब है, अगर एक सेशन जज को उस पोस्ट पर लगाया हुआ है तो ये इंसाफ किसी को क्या मिलेगा। महमूद साहब मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको वो ज़मीन खरीदे हुए, और इस सारे मामले को कितना अरसा हुआ है कि उस पर कब्ज़ा हुआ है आपको पता चला है? मुझे अभी पता चला है कि 2 साल हुए हैं, ये ज़मीन लिए 20 साल हो गए। उससे पहले 18 साल आपने कभी पूछा नहीं, कभी देखा नहीं? मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं आता था यहाँ पे क्योंकि मेरे काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, बिज़ी, एक हफ्ते के लिए आना, और जनाब मैं यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता हूँ, नेक्स्ट में लैम्प्स में, आगा खान यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, कोई 2000 बच्चों को मैं स्पॉन्सर करता था, बेवा औरतों की शादी करवाता था, और गरीब जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनके लाश फ्री करवा देता था, ये मेरे दिल में था। अब जब यतीम खाना बनने लगा तो मुझे पता चला, तो अब तो मेरा असल में मसला हो गया, और मुझे पता है पाकिस्तान में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वकील वो सेशन जज के साथ मिला हुआ है, इसलिए सेशन जज ने मुझसे बात नहीं की, दरवाज़ा बंद करके चले गया, मुझे उसने बोलने का मौका नहीं दिया। अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तो दुनिया के ओवरसीज पाकिस्तानी को, मैं 80 मुल्कों में जाता हूँ, मैं तो उनको अपील करूँगा आप पाकिस्तान कभी यतीमों, बेवा मरीज़ों के बारे में ना सोचें, उनको पैसे ना दें, क्योंकि यहाँ का सिस्टम सबसे ख़राब सिस्टम, अफ्रीका कंट्री से भी इनका सिस्टम खराब है अदालतों का। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ महमूद भट्टी साहब मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, उनका यही कहना है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, जो काम मैं पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए कर रहा था, बच्चों की शादियां करवाना, अस्पताल में जो मुफ्त में इलाज और जितने भी कारनामे सर अंजाम दे रहे थे पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए, ये फ़िलहाल उनको रोक रहे हैं जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन इनको इंसाफ मिल गया, उन यतीम बच्चों को उनकी ज़मीन वापस मिल गई, तो ये सारे काम जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सर अंजाम दे रहे थे इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि महमूद भट्टी साहब और इस तरह के जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके साथ ये सारे हादसा होते हैं, पाकिस्तान में उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, जिनको तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन सबको जल्द अज़ जल्द इंसाफ मिलेगा। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।